इश्ताक अहमद साहब, आप क्या समझते हैं कि दो राउंड हो चुके हैं मुज़ाकरात के और कोई भी चीज़ सामने नहीं आई है, कोई भी कंसेंसस क्रिएट नहीं हो सका, इस सारी सूरत हाल में सुप्रीम कोर्ट की पोजीशन मज़ीद क्वेश्चनेबल हो गई है, जो कि एक्चुअली है फुल कोर्ट का मुतालबा हो चाहे या कुछ जज साहिबान के खिलाफी नोट्स, ये जो एक सवाल है सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की अथॉरिटी के ऊपर, ये ज़्यादा क्वेश्चनेबल हो गया है कि मुज़ाकरात की ऑफ़र करवाई सुप्रीम कोर्ट ने, मुज़ाकरात भी नहीं हो पा रहे, दो राउंड हो चुके हैं, 14 मई सर पे है, तो ये सुप्रीम कोर्ट ने शायद इतना दूरस मशवरा नहीं दिया इसीलिए वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा है। डू यू थिंक लाइक दैट इश्ताक अहमद साहब? देखिए जी, जो तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है ना, उसके बारे में तो राय बड़ी वाजे है कि सुप्रीम कोर्ट के पास उसका इख्तियार था और किसी पार्टी ने उसको चैलेंज नहीं किया था। अगर उसको चैलेंज किया जाता तो अदरवाइज जो ओपिनियन बाद में फॉर्म की जा रही हैं वो अकॉर्डिंगली प्रिवेल कर सकता था। लेकिन जब इम्प्लीमेंटेशन की बात आई तो इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने एक डायरेक्शन दी, यहाँ पे सेक्टी फाइनेंस जो हैं उसके साथ सेक्टी इंटीरियर जो हैं वो आके अपना मौकफ बयान करें, उन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी। अब उन रिपोर्ट्स को सामने देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पहले स्टेट बैंक को भी डायरेक्ट किया कि जी अगर पेमेंट्स का मसला है तो स्टेट बैंक डायरेक्ट पेमेंट कर दे। लेकिन जो आज की सूरत हाल क्रॉप अप हो गई है ना, उससे सुप्रीम कोर्ट की पोजीशन तो मैं नहीं समझता कि कोई क्वेश्चनेबल हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने तो हमेशा फैसला दिया है आईन और कानून के मुताबिक, और अगर ये 187 में जो प्रोसीडिंग्स अब हमारे पास चल रही है इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट के पास इख्तियार है कि वो कोई भी ऑर्डर कर सकते हैं। अगर उन रिपोर्ट्स को सामने रखते हुए जो कि रिपोर्ट्स उनके पास आई, वो इंटीरियर मिनिस्ट्री ने दी, वो लेकिन सॉरी टू कट यू, यही तो मैं आपसे सवाल कर रही हूँ कि चाहे वो स्टेट बैंक के गवर्नर को बराह रास्त बोल देंगे पैसे लें, या वो इलेक्शन कमीशन को कह दें कि आप हमारे पास आए अगर आपको तंग करें, या वो बराह रास्त सियासतदानों को कह दें कि आप आपस में बातचीत करें, इन तीनों में से कुछ भी नहीं हो पा रहा, इसलिए सुप्रीम कोर्ट की पोजीशन क्वेश्चनेबल हो गई। नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ कि इससे क्वेश्चनेबल पोजीशन नहीं हुई, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने अटमोस्ट ट्राई की कि जो इशू है उनके सामने दैट इज टू बी रिजॉल्व्ड। इशू अगर सियासतदान बैठ के अपना खुद नहीं कर सकते तो सुप्रीम कोर्ट में जब पिटीशंस जाएंगी तो सुप्रीम कोर्ट ने तो उसके मुताबिक फैसला करना है, और जो फैसला उन्होंने किया है उसको तो आज तक किसी ने चैलेंज नहीं किया कोर्ट में, या तो उस ऑर्डर को ही चैलेंज कर लिया जाता ना, उसका एक कानूनी रास्ता मौजूद था, वो उसको चैलेंज नहीं किया, उसकी इम्प्लीमेंटेशन आई तो सब ने कह दिया कि जी ये हमें काबिले कबूल नहीं है, अब फुल कोर्ट बन जाए। अब जजेस के दरमियान जो इनिशियल कोई इख्तलाफात हुए, वो इख्तलाफी नोटों की बात हुई, उसके ऊपर मेरा बड़ा वाजे स्टांस है कि जो इख्तलाफी नोट हैं ये बेंच 2 और 3 के हवाले से, 2 लोगों का जो इख्तलाफी नोट है वो वैलिड इख्तलाफी नोट है, और जिन्होंने 2 बेंच का हिस्सा ना होकर इख्तलाफी नोट दिए हैं वो ना कानून उसकी इजाज़त देता है ना आइन उसकी इजाज़त देता है, वो उनकी अपनी मर्जी है जिन्होंने वो नोट दिए हैं। बाकी 5 मेंबर बेंच का फैसला था, 3-2 का फैसला हुआ। अब ये 4-3 वाली और ये सारी की सारी बातें जो है इसीलिए वो मतनाज़ा बनाने के लिए किसी चीज़ को किया जा रहा है, जबकि फैसला मैंने जैसे पहले किया उसको चैलेंज करने का हक हर पार्टी के पास था, सुना गया नहीं सुना गया, वो उसमें पार्टी थे नहीं थे, वो अकॉर्डिंग अब वहाँ पे तो बहस भी हुई, वहाँ पे तो उन्होंने फैसला दिया, अटॉर्नी जनरल वाज देयर, अटॉर्नी जनरल ने मौकफ दिया, और सब लोगों का मौकफ आने के बाद ये इम्प्लीमेंटेशन के दौरान जो है ये सारी की सारी नई इख्तराएं पेश की।